अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कैसे गुजर रहे हैं आप लोग के रमज़ान, कमेंट में बताइएगा। आज मैं मौजूद हूँ ऐसे बचत बाज़ार में जहाँ पर ज़रूरत का सारा सामान मिलता है, आटा, तेल, घी, चावल, और आप यहाँ से ईद की शॉपिंग भी कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस है। और छोटा सा बचत बाज़ार है और इसकी लोकेशन है नुमाइश चुरंगी कायदे आज़म के मज़ार से थोड़ा सा आगे आपको मिलेगा। और आपको लोकेशन समझ में नहीं है तो वीडियो पीछे करके आप दोबारा सुन लें और वीडियो पूरी देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कैसा बचत बाज़ार है, कैसी प्राइस है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इधर की प्राइस लिस्ट है, आप लोग वीडियो रोक के देख लीजिएगा। ये अरीसा लीटर वाला है, सही है, 440 रुपये, 900 ml है, इसकी प्राइस है 400 रुपये। 400 रुपये, सही है। और जो पीछे वो घी है खुशी, ये रहा खुशी, ये 900 ग्राम घी है खुशी, इसकी प्राइस है 420 रुपये। 420 रुपये। और अगर पूरा कार्टन लेना चाहें 450, ये 450 ग्राम का है, 220 रुपये, सही है। और अगर पूरा कार्टन लेना चाहें, इसका पूरा कार्टन लेते हैं आप तो 6720 रुपये का, इसलिए उसमें 16 पीस है, सही है, ठीक है। लीटर वाला लेते हैं तो 5280 रुपये का कार्टन है, सही है, 12 पीस है, 12 पीस है, ठीक है। और अगर 900 ml वाला लेते हैं तो इसकी प्राइस है 4800 रुपये, ये भी 12 पीस है, जी आरिसा है, सही है। भाई ये चक्की आटा है, फाइन आटा है, ये चक्की गोल्ड है, चक्की गोल्ड आटा है, और अलखुब्स, और कितने का ये? ये अभी 5 किलो पड़ रहा है 750 रुपये का, 5 किलो है 750 रुपये का, केजी पड़ रहा है 1300 रुपये का भाई, 1300 रुपये का। और ये फाइन है, ये प्योर फाइन है, ये कितने का है? ये 750, 750 रुपये का है, 5 किलो है। और ये वाला भाई, ये वाला आटा, ये 1300 रुपये का बताया था, 10 किलो, 10 किलो 1300 रुपये का, सही है। और ये बेसन के, बेसन 280, बेसन 280 रुपये किलो है, सही है। मार्केट में 360 रुपये का है भाई, दे रहे हैं इतना सस्ता, सही है। अच्छा समोसों की पट्टियाँ भी होती हैं आपके पास, रोल की भी हैं, क्या प्राइस है? 260 रुपये किलो, 260 रुपये किलो, सही। आपको 320 रुपये किलो मिलेगा और 400 रुपये किलो मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पर आप सही है, सस्ता दे रहे हैं, बचत बाजार है आवाम के लिए, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं रमज़ान में। और आप देख सकते हैं क्वालिटी वगैरह भी आप देख सकते हैं, ये क्वालिटी, इस तरीके की क्वालिटी आपको बाहर से नहीं मिलेगी, इस तरह की क्वालिटी बाहर से नहीं मिलेगी, आपका दावा है, सही है। भाई ये कितने का पूरा कार्टन है? 1500 रुपये का, सही है। और इसमें कितने पीस होंगे? 27 पीस होंगे, और आप देख सकते हैं। और ये जो इधर ये 1 किलो वाले, ये इसकी क्या प्राइस होंगे? ये 2500 रुपये का कार्टन, 2500 रुपये का कार्टन है, और इसमें कितने पीस होंगे? 12 पीस होंगे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कितने की दाल है अंकल? ये 210 रुपये के लिए, 210 रुपये, सही है। और ये वाली भी, ये काला चना 200, ये काला चना 200 रुपये का, 200 रुपये किलो, देख सकते हैं क्वालिटी, आप देख सकते हैं, सही है। ये इधर लिखे हुए भी है प्राइस, चने की दाल 10 रुपये किलो। और भाई ये बेसन की क्या प्राइस है? 220 रुपये किलो, सही है। और ये तली हुई प्याज 260 रुपये, 320 रुपये, ये 260 रुपये, ये इसके जो प्राइस हैं वो 320 हैं और इसके हैं 260। बहुत शुक्रिया अंकल। क्या दे रहे हैं? हलीम दे रहे हैं सर। हलीम है, कितने की प्लेट है? प्लेट 80 रुपये की सर, 80 रुपये की प्लेट है, जी हाँ। गर्मा गर्म हलीम हो रही है, सही है भाई, फ्रेश है, थैंक यू। ये 500 रुपये की है सारी, 500 रुपये की सर, ये सारी 500 रुपये की, 500 की, सही है, आप देख सकते हैं अच्छी है, आप ईद वगैरह भी आप पहन सकते हैं। और अंकल ये वाली, ये 300 रुपये की है, सही है, नॉर्मल यूज़ के लिए बिल्कुल ठीक है, देखें आप सॉफ्ट है और नॉर्मल यूज़ के लिए बिल्कुल ठीक है, 300 रुपये की है यार, बेहतरीन है। अच्छा अंकल ये चावल के क्या प्राइस है? चावल हम दे रहे हैं 190 रुपये का मार्केट में, जो बड़े होलसेलर हैं, सही है, 250 से 200 250 तक। आप 190 रुपये किलो दे रहे हैं, कौन सा चावल है ये? बासमती है 46। बिरयानी वगैरह बना सकते हैं ना, सही है, और घर के इस्तेमाल के लिए भी आप कर ले सकते हैं, 190 रुपये किलो है। हाँ भाई कितने का सूट है? ये 900 रुपये का सेल है, 900 रुपये की सेल है, कोई सा भी ले लो। और ये वाली 400 रुपये का खाली कुर्ता है और 900 रुपये की सेल है।
आपको लेके फिर सिलवाना होगा। देखिए इसमें बहुत सारी वैरायटी है, हर कलर आपको मिलेगा यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि आप कुछ मिस ना कर दें। तो कल मिलते हैं आपको किसी अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।